अब देखिए, अध्याय पांचवा में जाति व्यवस्था की अर्थियम परिभाषा हो गया कंप्लीट। जाति व्यवस्था का अर्थियम परिभाषा पढ़ाई हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दूसरी बार हमारी पढ़ाई हो रही है, समझ गए। अब हमको देखना है जाति व्यवस्था की परिभाषा, अर्थियम परिभाषा के आधार पर जाति की विशेषताएं। चलिए, स्टेटिस्टिक्स ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था की विशेषताएं एग्जाम में आएगा। जाति व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं, जाति व्यवस्था क्या विशेषता का क्या अर्थ है, जाति व्यवस्था की विशेषता की व्याख्या कीजिए। जाति व्यवस्था को लिखना है, आपको मिलेगी नंबर सॉलिड। अब देखिए, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जाति को निम्नलिखित विशेषता स्पष्ट होती है, यानी जाति व्यवस्था की अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर जाति व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित स्पष्ट होती है। कौन कौन? पहला है, देखिएगा, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था पहला है, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था हिंदू समाज को चार खंडों में विभाजित करती है, जिसके आधार पर प्रत्येक जाति समूह की परिस्थिति और उसकी कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्धारण होता है। प्रत्येक जाति सामाजिक नियमों के आधार पर दूसरी जाति से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखता है। जाति व्यवस्था के इस खंडात्मक विभाजन में किसी भी खंड अर्थात जाति समूह को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी भी जाति को दूसरी जाति में परिवर्तन करने की अनुमति, खंड करने की अनुमति नहीं दी जाती है। खंडात्मक विभाजन फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, संस्तरण आधारित व्यवस्था, है ना, हेरिडिटी ग्रेड बेस्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था में विभिन्न खंडों में एक निश्चित संस्तरण या सोपान क्रम पाया जाता है, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। संस्तरण से हमारा तात्पर्य उतार चढ़ाव के क्रम से है, जिसे हम ऊंच नीच के क्रम के आधार पर समझ सकते हैं। इस प्रकार जाति व्यवस्था ऊंच नीच की भेदभाव पर आधारित एक संस्तरणात्मक संबंध है। इस संस्तरण का निर्माण चार जाति समूहों द्वारा होता है। इसमें शिखर पर ब्राह्मण, जिन्हें समाज में सर्वोच्च परिस्थिति कहा जाता है, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है, खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, यानी जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति द्वारा अपने सदस्यों पर खान पान और सामाजिक सहवास संबंधों द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्च जाति समूह का व्यक्ति अपने से निम्न जाति समूह के लोगों के यहाँ भोजन नहीं करती है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण दूसरी जाति के द्वारा बनाया गया भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि शूद्र व अछूत के यहाँ भोजन अन्य जाति के लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इसी प्रकार सामाजिक प्रवास सहवास संबंधी नियम भी प्रत्येक जाति समूह पाए जाते हैं। इन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर विभिन्न जाति समूह अपनी पूज्यता को बनाए रखते हैं। यदि भी खान पान संबंधी भेदभाव समाजों में देखने को हमें मिलता है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक और धार्मिक नियोगिताएँ। सामाजिक और धार्मिक नियोगिताएँ भी से एक जाति का महत्वपूर्ण विशेषता में ये एक है। जातियों के बीच एक सामाजिक धार्मिक नियोजताएँ पाई जाती है, जो कि उसकी समाज में उच्चता निचता को दर्शाती है। कौन ऊंच है व नीच है उसको दर्शाती है। जाति में विशेषता के आधार पर हिंदू समाज में छुआछूत अस्पृश्यता को बढ़ावा मिला है। जाति व्यवस्था में ऊंच जातियाँ, विशेषकर ब्राह्मणों को सबसे अधिक मान्यता दिया गया है। अब देखिए, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। कास्ट इज ए इंडोगेमी ग्रुप। प्रत्येक जाति अनिवार्य रूप से अंतर्विवाही के नियम का पालन करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता है। कोई भी जाति अपनी जाति से अलग विवाह नहीं कर सकता है। ये नियम बनाया गया, रूल बनाया गया है। हम जाति के मेंबर हैं, जाति में भी शादी विवाह कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। ये परंपरा हमारी पहले से होके आ रही है। हम जाति से बाहर नहीं हैं, हम जाति के आधार पर ही, जाति में ही हम शादी विवाह हम कर सकते हैं। हम समाज के बाहर नहीं हैं और जाति के अंतर्गत ही सब कुछ हम कर सकते हैं। जाति एक ऐसा, प्रत्येक जाति
जाति या उपजाति को वो अपने सदस्यों के बीच ही विवाह करने की अनुमति दे दी जाती है। जिस जाति में हमने जन्म लिए हैं वही जाति में हमें हमें मैरिज करना है, हमें दूसरी जाति मैरिज नहीं करना है। अभी परंपरा ये बन गया है कि देखिए अंतर्जातीय विवाह बहुत प्रचलन हो गया है, हमें अंतर्जातीय विवाह से दूर रहना है, हमको प्रतिबंध लगाना है, हमको अपने जिस जाति में हम जन्म लिए हैं उसी रीति रिवाज उसी कल्चर उसी परंपरा के अनुसार हम अपने जाति में अपने कास्ट में हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमारा समाज हमारा किनशिप हमारी नातेदारी हमारी सिस्टम एक अलग परिवार की सिस्टम है, एक कला है हमारी, उस कला को सिस्टम को हमको बरकरार रखना है, हमें अपने नियम को लॉ को अपने नियम को लॉ को देखना है और अपने कास्ट में ही मैरिज करने की हमको सलाह देना है एडवाइस करना है, हमें समाज को आगे शिक्षित करना शिक्षित हमारी समाज शिक्षित होगी, हम समाज को शिक्षित करेंगे समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज को शिक्षा देंगे कि अपने समाज में ही शादी ब्याह करो, अपने समाज से बाहर मत जाओ। हमारे एक नियम बने हुए हैं एक लॉ बने हुए हैं कि जिस जाति में हम जन्म लिए हैं उस जाति में ही शादी ब्याह करेंगे, उस जाति से हम बाहर नहीं हैं, समझे बात को, उस जाति के अंतर्गत ही कुछ हम कर सकते हैं, हम जाति से बाहर नहीं हैं, यानी जाति के अंतर्गत ही कुछ करना है हमें, तो जाति सिस्टम जाति की जो व्यवस्था बना हुआ है कास्ट सिस्टम बना हुआ है हम जात में ही शादी ब्याह मैरिज कर सकते हैं, और जब भी अपने जाति से बाहर हम सोचेंगे तो हमको समाज और परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा, हमको अपने जाति में ही शादी ब्याह करना है, क्योंकि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं उस जाति का एक हम आजीवन सदस्य बन गए हैं। बात समझ रहे हैं पढ़ाई का मतलब, अगर नहीं समझते हैं नहीं हमारी पढ़ाई को तो आप फोन कीजिए पूछिए सर आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आपका अधिकार में बनता है फंडामेंटल राइट्स में पूछने का अधिकार है, डरना आपको नहीं है, कोई भी टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सर आपका पढ़ाई हम समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए दोबारा ये जाति व्यवस्था क्या है ना। तो ये पॉइंट में बताए कि जाति एक अंधविवाही समूह है, जिस जाति में हम जन्म लिए हैं वही जाति में हम विवाह करेंगे, उस जाति से हम बाहर नहीं है, कहने का अर्थ है ना। अभी अनजातीय विवाह हो रहा है समाज से बाहर निकाल दे रहा है, टूट रहा है परिवार, क्यों? अपने जात का विवाह अपने परिवार का संबंध देखा सुना परिवार ने मैरिज करना अपने कास्ट में करना एक बहुत बड़ा ही मायने रखता है ना। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, एक पूर्व निश्चित व्यवसाय, एक पूर्व निश्चित व्यवसाय, देखिए एक पूर्व निश्चित व्यवसाय प्री डेटरनाइज्ड ऑक्यूपेशंस प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, जाति के सदस्य एक व्यवसाय को ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानकर उसके माध्यम से जीवन यापन करना अपना धर्म समझते हैं, समाज में ब्राह्मण जहाँ शिक्षा देने और धार्मिक क्रियाओं का संपादन करने का कार्य करते हैं वहीं क्षत्रियों का कार्य प्रशासन और सुरक्षा प्रदान करना है, वैश्यों का कार्य व्यापार करना और शूद्रों का कार्य सेवा करना था, इन सभी जातियों के सदस्यों को अपने पूर्व निश्चित व्यवसाय के अनुसार कार्य करना उसका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना जाता है, अपने कार्य धार्मिक कार्य करने का कर्तव्य माना जाता है। आप देखिए विशेषता के बारे लिखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त विशेषता के आधार पर स्पष्ट होता है कि लिखने की शैली सीखिए लिखने की कला सीखिए, उपयुक्त विशेषता के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, लिखिएगा परीक्षा में, जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है, इस व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना अधर्म की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना भी सुधीर क्यों न हो जाए परंतु उसकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही कारण है कि जाति व्यवस्था को बंद व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामाजिक गतिशीलता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें सामाजिक व्यवस्था का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग की व्यवस्था है।